हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि हम फॉर लूप को कैसे यूज कर पाएंगे सी लैंग्वेज में। तो चलिए ओपन करते हैं कोड ब्लॉक को और इस पे हम समझेंगे फॉर लूप को हम कैसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है। जब किसी भी स्टेटमेंट को हम कई बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो वहां हम लूप लगाते हैं। अब लूप में भी कंडीशन होती है, जैसे लूप में क्या क्या चीजें होती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल बना लू, हैश इंक्लूड stdio.h hash include unio.h int main लगा लिया, main function लगाया यहाँ पे हमने, curly bracket लगाया और यहाँ पर अब integer type का हम type लेंगे और यहाँ पर एक variable i बनाता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आई ही बना लेते हैं और अब यहां पर प्रिंट एफ लिखता हूं, ठीक है। और यहां पर जो आई में वैल्यू रखी जाएंगी, जो आई में लूप हम चलाएंगे उसके द्वारा ये चीजें प्रिंट होंगी, तो यहां पर अब आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा मैं, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद यहां पे रिटर्न जीरो करूंगा तो ये हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अब यहां पर हमें लूप की बात करनी है, लूप कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लूप हम कैसे यूज कर पाएंगे। तो यहां लगाता हूं मैं फॉर लूप, ठीक है। हम फॉर लूप में ही समझेंगे। यहां आई की वैल्यू को वन से स्टार्ट कर रहा हूं, आई इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, यानी ये लूप फाइव तक चलेगा, आई प्लस प्लस। अब देखिए इस लूप में है क्या क्या। देखिए ये जो फॉर लूप है इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि इसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन, यानी कि i इज इक्वल टू वन किया है यहाँ पे मैंने, तो इसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच का स्टेटमेंट है जिसमें ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू लगाया हमने, ठीक है, i इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, तो ये जो है इसे हम बोलते हैं कंडीशन। तो ये हमारा कंडीशन है और इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। आई प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट, आई माइनस माइनस हो जाएगा तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये तीन चीजें ही लूप में होती है। अब इस लूप को चलाने से फायदा क्या है, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं, बना लिया हमने। इस लूप को चलाने से फायदा क्या होगा, इस लूप को चलाने से फायदा ये होगा कि हम आई की रिपीट करवाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और अब इसको सेव करने की बारी, तो इसको सेव किया जाए। तो यहां मैं फॉर डॉट सी के नाम से इसको सेव करता हूं, ठीक है, और यहां पे कंपाइल करवाऊंगा इसको, तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको रन करवाता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक ये प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 5 तक प्रिंट होकर आ रहा है ये आपने देखा, ठीक है, कि हमने एक लूप लगाया, हमने कहीं भी 5 नहीं लिखा इसमें, 1 2 3 4 5 ये अपने आप प्रिंट होके आ रहा है। अगर यहां पे मैं 10 लिख दूं तो ये 10 तक प्रिंट होके आएगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब हमें करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि हर बार लाइन चेंज हो जाए, तो लाइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्रिंट एफ लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाना है आपको, बैक स्लैश एन लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन भी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि लाइन चेंज हो रही है या नहीं, ठीक है। और एक और लूप यहाँ पे लगा लेंगे हम, ठीक है, दो लूप, यानी इसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप, ठीक है। यहाँ पे जे, तो हम जे अभी वेरिएबल हमने बनाया नहीं, तो यहाँ पे जे भी ले लेते हैं, कॉमा करके यहां मैं जे दे देता हूं, यानी दो वेरिएबल हमने बना लिए, ठीक है। अब जे की वैल्यू को मैं फिर वन से स्टार्ट करता हूं, जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, ठीक है, जे प्लस प्लस, इतना कर दिया। अब इसकी भी बॉडी को हम कर्ली ब्रैकेट से बनाएंगे क्योंकि लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से ही बनती है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो लूप है, देखिए दो लूप हो गए हमारे पास, अब देख सकते हैं आप, ये पहला वाला लूप इसे हम बोलते हैं आउटर लूप, ठीक है, और इसी लूप के अंदर ये वाला लूप जो बना है इसे हम बोलते हैं इनर लूप, ठीक है। अब ये जो आउटर लूप है इसकी बॉडी यहां से स्टार्ट हुई है और ये जो इनर लूप है इसका काम यहां पे खत्म हो गया है, तो यहां पे इसके ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है। जो आउटर लूप है उसका काम यहां पे खत्म होगा, तो यहां पे हम इसको क्लोज करेंगे। देखते हैं कि इसमें हम कैसे चेंजिंग ला सकते हैं, कैसे क्या करेंगे, तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा,
ठीक है। तो यहां पे अब हमें क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहां 5 लगाया मैंने, ठीक है, इस 5 की जगह सिर्फ हमें कर देना है आई, ठीक है। अब जैसे ही हम आई करेंगे तो होगा क्या, लाइन तो चेंज हो ही रही है, आप देख सकते हैं, पहले इसको मैं सेव करता हूं, आउटपुट दिखाता हूं आपको, यहां से ये लाइन तो चेंज हो ही रही है, तो अभी क्या होगा, एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा। अगर इसको कंपाइल करता हूं तो एवरीथिंग इज ओके, और यहां पे देखिए एक ट्रायंगल सा शेप बना हुआ है, यानी कि यहां पर आई की वैल्यू आ रही, जैसे सपोज कीजिए जे की वैल्यू 1 है, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहां पे शुरू में 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ठीक है। तो इस वजह से ये शेप प्रिंट हो रहा है, ये बैकस्लैश एन जो लगा रहे हैं हम लोग, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा लाइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि नेस्टेड लूप किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये आई है तो आई की वैल्यू शुरुआत में 1 है, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, मतलब बराबर ना हो जाए तब तक ये चलेगा लूप, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर इसकी जगह माइनस माइनस कर दे तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये लूप कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। आगे लूप के और भी प्रोग्राम देखेंगे, और एक ही लूप में हम दो या दो से अधिक वेरिएबल लेकर के भी प्रोग्राम बना सकते हैं, वो भी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।